आप सभी को नमस्कार, और पहले बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन हो जाएं, देन फिर आज हम लोग डेमो स्टार्ट करते हैं वाटर कलर का। सो अभी मैं आप लोग को एक वाटर कलर डेमो देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक स्केच बेस्ड टाइप। और जैसे कि हम लोग मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, मॉन्यूमेंट मतलब ऐसे जो बहुत पुराने जैसे खंडहर टाइप के होते हैं, उसमें किस तरीके से ईंट का एक टेक्सचर होता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब ड्राइंग बना लेता हूँ, फिर उसके में हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक बेसिक वे में एक वाटर कलर कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज़ को देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो अभी मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ, एक सिंपल सी एक ड्राइंग। ड्राइंग में किसी चीज़ को एकदम परफेक्टली नहीं दिखाना होता है कि नहीं, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, मतलब लाइन इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ कि जैसा दिख रहा है वैसा ही सेम कॉपी करना है, उस चीज़ से अलग हटके थोड़ा सा काम करना है आपको। ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ एक मॉन्यूमेंट की है, जैसे जो पुराने जो खंडहर हो जाते हैं, जो इनकी ईंट बाहर निकल आती है उस तरीके से, ऐसा कुछ, तो उससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, समझ में आएगा कैसे हम पुरानी बिल्डिंग्स को कैसे बनाते हैं। मेन है कि पुरानी बिल्डिंग को किस तरीके से हम बनाते हैं, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मैं रफली एक ड्राइंग कर रहा हूँ। सिंपल सा हाँ जी, ये वीडियो सेव रहेगा, इसको इस वीडियो को मैं इंस्टाग्राम पे तो रखूँगा ही रखूँगा, और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डालूँगा। इस वीडियो को थोड़ा यूट्यूब पे भी डालूँगा, जिससे कि आप, मैं उसमें रेफरेंस भी ऐड कर दूँगा मैंने किससे देख के बनाया। रेफरेंसली मेरा लैपटॉप में ओपन है तो मैं भी आपको दिखा नहीं सकता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऐसे थोड़ा सा मेरा टैब थोड़ा सा ख़राब हो रखा है इस चक्कर में, नहीं तो मैं दिखाता कि मैं क्या, बट फिर भी मैं इसको वीडियो शेयर करूँ, रेफरेंस मैं जरूर उसका शेयर कर दूँगा, जिससे किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वो इजीली कर सकता है। ठीक है, पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में जो ट्रीज दिखते हैं डिस्टेंस में, तो इसको हम कैसे कलरिंग किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इसमें एक वॉल्यूम लाएंगे, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा लाइट लाइट दिखाएं, थोड़ा सा हल्का सा येलो ऑरेंज शेड अप्लाई करेंगे इसमें। सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार, मैं आप लोग के मैसेज बस देख रहा हूँ उसको, अभी मैं डेमो दे रहा हूँ तो मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा उस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी। ठीक है, बस जो मैं बना रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग इन्जॉय करें और काम जरूर करिएगा। ठीक है, इस तरीके से तो अब इसमें हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सबसे पहले एक इस तरीके से मैं वाटर अप्लाई कर रहा हूँ, एक क्लीन वाटर। वाटर मैं इसलिए अप्लाई कर देता हूँ जिससे बेस में थोड़ा सा एक होता है ना कि हमें एक सॉफ्टनेस फील हो। अभी डायरेक्टली में कलर अप्लाई करें थोड़ा हार्ड पैचेज ज़्यादा आएंगे, उससे थोड़ा सा एक वाटर अप्लाई करने से एक बेस मिल जाता है, कलर ईजिली हम उसको कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सॉफ्टनेस के लिए। हल्का सा येलो एंड ऑरेंज कलर ले रहा हूँ फॉर लाइट इफेक्ट। देखो इस तरीके से, हल्का सा येलो एंड ऑरेंज, और एकदम खुले काम को डरो मत, बढ़िया से थोड़ा सा यहाँ पे इसके जैसे पुराने जैसे बिल्डिंगों में नहीं, असल वो एक जो जैसे कि ग्रीनरी निकल, फिर झाड़ियाँ निकल आती हैं, हल्का सा आप ग्रीन कलर से छोड़ सकते हो। जो देखा होगा जैसे मंदिर होते हैं पुराने पुराने, उसमें बहुत पुराना खंडहर टाइप मंदिर हो गया, मतलब टूटा फूटा है थोड़ा, उसमें कहीं कहीं से घास फूस निकल आती है, वो वाला इफेक्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे निकल आती है, देखो ऐसे
एकदम वेट ऑन वेट में बस ऐसे आपको अप्लाई कर देना है, कॉपी नहीं करना, कॉपी करोगे तो फिर चीज़ों को बना नहीं पाओगे। बस ऐसे हमें एक रेफरेंस सिर्फ आइडियाज़ के लिए होता है, बाकी हमें दिमाग हमें अपना खुद का लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि हल्का सा येलो ऑरेंज शेड मैंने अप्लाई किया हुआ है इस तरीके से, और इसी में हल्का थोड़ा डार्क करने के लिए थोड़ा अल्ट्रा मरीन ब्लू और वर्मिलियन ले रहा हूँ। अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड वर्मिलियन, देखो इस तरीके से। अभी आप लोग मैसेज करो, मैं किसी भी मैसेज का मैं मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ आप लोग का, ठीक है, मेरा पूरा फोकस अभी काम करने में, मैं रिप्लाई दूंगा आप लोग का, ऐसी बात नहीं है, बट अभी बस जो मैं कर रहा हूँ उसको अब इन्जॉय करो। जिन लोगों को साथ साथ काम करना वो काम भी कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। ठीक है, जो मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ ये अल्ट्रा मरीन ब्लू और वर्मिलियन है, देखो इस तरीके से थोड़ा सा ऑरेंज कलर ले करके थोड़ा लाइट का इफेक्ट देने कहीं कहीं पे, थोड़े हाथ थोड़ा मेरे स्प्रिंट चलते हैं, ठीक है, उस चीज़ के देखो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप देख लो बाद में, आप अप्लाई मतलब काम कर लीजिएगा। बस किसी भी चीज़ को बनाने पर डरो मत, डर गए तो आधा काम आपका ऐसे ख़राब हो जाता है। कोई बात नहीं, जैसा भी जो भी बनेगा वो आपका बेस्ट होगा ना, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा वर्क करें, ठीक है, हमेशा अपने पे भरोसा रखें आप काम करते वक्त, वो ज़्यादा ज़रूरी है। काम आता नहीं आता वो एक बात की बात है, जब खुद पर भरोसा होता है चीज़ें अपने आप बन जाती हैं। थोड़ा डार्कनेस इस तरीके, फिर से हल्का थोड़ा वेट है, जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ चित्रपट पेपर है ये, अभी मेन काम सूखने के बाद भी होगा, देखिए वेट ऑन वेट में काम चल रहा है, ठीक है, जब आपके काम में स्पीड होती है, हाथ चलता ज़्यादा ना, तो चीज़ें आसान हो जाती है, मतलब आप देर तक काम कर सकते हो। देखो इफेक्ट देख सकते हो, आज सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक लाइट का लेफ्ट साइड से फिर थोड़ा डार्कनेस राइट साइड में, थोड़ा सूख जाने दो, ठीक है, एक बेस लग गया, थोड़ा वाटर लेकर के वाटर लेके हल्का सा ग्रीन शेड बैकग्राउंड में, ग्रीन तो आप कोई भी ले लो, रेडियंट ग्रीन ले लो, कोई भी ग्रीन ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। एक इस तरीके से एक डेप्थ कैसे, बैकग्राउंड जो ट्रीज होंगे थोड़े से सॉफ्ट होंगे तभी तो एक सॉफ्टनेस आएगी ना पूरे काम में, तभी हम डेप्थ को फील ला पाएंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा फिर।
एक सिंपल समझो एक छोटा सा वाटर कलर स्केच आप सामान, मैं नहीं करूँ बहुत प्रॉपर एक पेंटिंग है, लेकिन फिर भी एक स्केच जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन, इसको हम पेन, आप इस चीज़ को पेन से भी आउटलाइनिंग कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया इफेक्ट निकल के आएगा। देखो थोड़ा सा ब्लू एंड ग्रीन, देखो ऐसा कुछ अलग ना, जैसे झाड़ियों के बीच में हल्का सा एक मॉन्यूमेंट है, वो उसमें थोड़ा सा एक डेप्थ सबको दिख रही होगी। देखो मेरे लगता है कितनी देर अभी मैंने, कितनी देर अभी जो लाइव चल रहा है अभी कितना टाइम हुआ, टाइम मुझे दिख नहीं रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी देखो अच्छा 7:11 हुआ, अभी 11 मिनट मैंने इतना कर दिया समझ लो, सिर्फ 11 मिनट मैंने इतना करा है आप लोग के सामने। अब आप उस चीज़ को देखो स्पीड, क्योंकि अब जो डर है ना वो ख़त्म हो चुका है, क्या बने कैसा बने, बस कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है कि जो होगा वो अच्छा होगा, बस अपने काम भरोसा रखना है उस चीज़ को। इसलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि अपने पे विश्वास रखें, आप जो करो सब अच्छा है, बस खुद पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ब्रंट अंबर ब्लू ले रहा हूँ, जैसे आस पास स्टोन पत्थर नहीं रखे होते हैं, कुछ पड़े होते हैं रख, मतलब ऐसे कुछ आए तो वेट है, देखो ऐसे कुछ वो रैंडम आप कहीं भी किसी तरीके से भी। स्काई ब्लू मैटर नहीं करता, आप पेपर का वाइट इफेक्ट भी आपको स्काई का ही काम करेगा। और अभी मेरे ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं वाटर कलर के, वाटर कलर के स्केचिंग के ठीक है, तो किसी को अगर ज्वाइन करना हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अभी 17-18 अक्टूबर से मेरे बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं वाटर कलर के और स्केचिंग के, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि कुछ ठीक पढ़ा लेता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है। आप चाहो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो 9559480989, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी को ऑनलाइन क्लासेस रिलेटेड इंक्वायरी लेना है तो वो ले सकता है। देखो थोड़ा डिटेलिंग इस पर करेंगे, थोड़ा फोकस इसी पे रखेंगे, अभी एक्चुअली लाइव आने का कैसा कोई भी सीन नहीं था, मैंने कहीं पोस्ट नहीं किया था, बस अभी मूड हुआ चलो ठीक है अभी मैं, मतलब ऐसे फ्री तो नहीं हूँ लेकिन फिर लगा चलो कोई नहीं, बहुत टाइम से लाइव नहीं किया, लगता है जल्दी से एक लाइव देते हैं। अभी कुछ दिन पहले लाइव आया था के भाई के थ्रू, लेकिन अभी ये कि फिर मैंने चलो कोई नहीं लाइव आते हैं खुद से भी, तो इसलिए चलो आप लोग को थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलेगा। देखो कितनी फ्रेशनेस बनी हुई, आपने एक चीज़ नोटिस करी ठीक है, आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 9559480989, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड किसी को इंक्वायरी लेनी तो ले सकते हैं। मैं टाइप कर देता हूँ ठीक है 480989, मैं देख जस्ट अभी मैंने मैसेज में पोस्ट किया हुआ, तो आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिए नंबर जिसको भी चाहिए। किसी कुछ भी इंक्वायरी लेनी है ऑनलाइन क्लास रिलेटेड तो ले लीजिएगा, बता दूंगा, मतलब आप कर दीजिएगा, मैं जब मैं फ्री होंगे तो ज़रूर मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। अब देखो हल्का हल्का कलर, देखो कलर स्कीम देखो
कलर स्कीम बहुत मैटर करती है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग करते बहुत अच्छा है, बनाते ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते, लेकिन क्या कलर स्कीम हमारे काम को डल कर देती है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आप क्या बना रहे हो, क्या कलर यूज़ कर रहे हो, सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देखो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा फोकस रखते हैं अपने मेन जो मॉन्यूमेंट मैंने बनाया है उसमें, हल्का सा थोड़ा सा ऑरेंज से, तो डिटेल निकालने ट्राई करते हैं, क्योंकि वेट ऑन वेट में एक लिमिट तक आएगा, फिर उसको हम डिटेल में निकालेंगे थोड़ा सा। हल्का सा ब्लू और स्कारलेट रेड फॉर डार्कर शेड। जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ चित्रपट पेपर है, हमेशा मतलब मुझे लगता है कि कोई बहुत ही रेयर होता है मैं दूसरा मतलब मैं यूज़ करूँ। ठीक है, इस तरीके से चित्रपट पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और एक रैपन वूफ करके एक आर्ट मटेरियल वेबसाइट है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो अगर आपको पेपर चाहिए, वहाँ पे भी अवेलेबल हो गया है, और पेपर 270 GSM है रफ, 270 GSM रफ यूज़ कर रहा हूँ मैं। सिंपल सा नॉर्मली, एक ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं, नॉर्मली देखो कैसा इफेक्ट आ रहा है। कलर देखो कैसे हाथ चला रहा हूँ, किस तरीके कलर अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हड़बड़ा नहीं रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं। देखो इस तरीके से, थोड़ा लाइट ले रहे हैं, हल्का सा ऑरेंज, अब इस चीज को देख सकते, एक डेप्थ आ रही है ना, एक धीरे धीरे करके पता, एक रियलिस्टिक उसमें निकाल रहा हूँ। हाँ, पहले एक वाटर का मैंने वॉश दिया था, शायद आप लेट हैं, तो जिन लोग जो चीज़ छूट गए वो फिर से दोबारा वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कैसे क्या अप्लाई किया था, तो आपको उससे ज़्यादा मतलब मेरे बोलने अच्छा है कि आपको वैसे देखो ज़्यादा सही रहेगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से डेप्थ देखो, एक डेप्थ किस तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा हल्की फुल्की घास फूस आसपास। थोड़ा ब्लू और रेड, थोड़ा डार्क कलर। थोड़ा यहाँ पे भी। देखो एक बार में डार्क नहीं करना, एक बार में डार्क करो तो जो एक डेप्थ है ना वो नहीं दिखेगी, धीरे करके एक दो लेयर में डार्क करो तो एक एक अंदर एक डेप्थ दिखेगी, ऐसे डायरेक्टली वो फ्लैट पैच देगा, ये ध्यान रखिएगा।
बस काम एंजॉय करो, इतना टेंशन मत लो काम को लेके, बस धीरे करोगे अपने आप ही चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। देख कुछ भी नहीं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, बस नॉर्मल, फिर भी सीखने वाला बहुत कुछ है ना, आप उस चीज़ को देखो। देखो इस तरीके से यहाँ पे भी हल्का हल्का, एक बार करोगे देखो एकदम से तो आप चीज़ों को बार बार मतलब कि एक बार समझ नहीं सकते। जब लाइफ में पहली बार कोई नया काम करोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कैसे करना है, धीरे करके एक काम अच्छा होगा, फिर आप थोड़ा उससे बेस्ट लेवल और ट्राई करने का प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे करके ही काम में इंप्रूवमेंट दिखती है। एकदम से किसी काम में इंप्रूवमेंट नहीं आती, मेरे काम में भी नहीं आई, ठीक है। ऐसा नहीं मैं एकदम से बहुत अच्छा करने लगा, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, देखा है तो अभी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं बहुत उम्दा काम कर लेता हूँ, लेकिन हाँ फिर भी जितना है उतना प्रैक्टिस लेकिन मैं रोज़ करता हूँ। मैं कैसा भी काम करूँ ये नहीं कि मैं प्रैक्टिस करना मैंने छोड़ दिया है, प्रैक्टिस रोज़ करता हूँ मैं अपने। कुछ काम आपको दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं, थोड़ा सा डेप्थ और दिखानी तो चाहो तो आप एक मेरे पास लाइनर ब्रश है, उसकी हेल्प से थोड़ा स्मॉल स्मॉल लीफ ना, थोड़ा और बढ़िया लगेगा देखने में। थोड़ा डिटेलिंग में इस तरीके से तो और एक रियलिस्टिक फील आ जाएगा। तो आप लोग हिसाब से क्या देखो, देखो कलर स्कीम क्या थे, जैसे थोड़ा सा ग्रीन ग्रास में हल्का थोड़ा पर्पल भी मैंने डाला है, थोड़ा सा ग्रीन भी डाला है, और थोड़ा सा डार्क नहीं तो उसमें ग्रीन में मैंने ब्लू भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी हल्का थोड़ा ट्राई करो, जैसा भी बन रहा है ये कभी अपने जो दिक्कत के ना आप लोग अपने काम को जज करने लगते हो, ये नहीं देखते हो कि अभी आप सीख रहे हो तो जैसा ही बनेगा वो आपका बेस्ट होगा ना, एक प्रॉब्लम यही है आप लोग की। आप सबको समझ में आ रहा है डेमो, क्लियर हो रही चीज़ें कि नहीं, कोई डाउट्स? देखो मैं सबको सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकता हूँ अपने क्वेश्चन या आपके आंसर से, मतलब जो भी आप पूछोगे, लेकिन फिर भी एक होता है चलो 100 में 50% आया कि नहीं आया, मतलब ये कभी ऐसा कुछ ट्राई करना हो तो आपको पता होगी ना कलर स्कीम, जैसे खासकर मॉन्यूमेंट्स में जैसे कि हम बनाते हैं तो वो चीज़ है। अभी नॉर्मली एज ए बिगिनर आप लोग वाटर कलर कैमलिन के ही यूज़ करो, वही अभी सही है। ठीक है ना, देखो देने को तो बहुत एडवांस डेमो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप सीखो क्या उससे, आपको क्या समझ में आएगा ना, तो एटलीस्ट चीज़ ऐसी देखो कि जिससे आपको लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा है। देखो जैसे हल्के हल्के जैसे कि डंडियाँ निकल आती नहीं, जैसे कि पुरानी बिल्डिंग वो वाला इफेक्ट है, देखो वो चीज़ है किस तरीके से करना है अपना, और करते करते चीज़ें अपने आप कब अच्छी हो जाएंगी आपको भी नहीं पता चलेगा, सही बता रहा हूँ। एक टाइम तो मैं करता था लेकिन इम्प्रूवमेंट कभी खुद को नहीं दिखती, ये ध्यान रखना, इम्प्रूवमेंट दूसरा ही आपको बताया कि हाँ तुम्हारा काम अच्छा हो रहा है, ये सही बता रहा हूँ, क्योंकि हम कभी अपने काम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जब दूसरा भी बोलता है ना कि हाँ अरे तुम्हारा काम थोड़ा इम्प्रूव हो गया, थोड़ा सा ये तब जाके लगता है कि अच्छा हाँ, फिर थोड़ा ध्यान से देखते हैं अच्छा ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये एक रियलिटी है। ब्रशेज कलर ये सब मैटर नहीं करता, जो भी हैं जिस आप नॉर्मल सिंथेटिक है बस आप उससे काम करो,
ये लाइनर ब्रश मैं यूज़ करूँ मैं, बट ये नहीं करूँ कि आप खरीदो, ठीक है? आप नॉर्मल कोई भी 000 नंबर का राउंड ब्रश आता है वो परचेज कर लो, उससे वही चीज़ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपने लाइफ में बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग कलर पीछे पता नहीं क्यों पड़ जाते हो ब्रशेज के पीछे, ठीक है? तो उस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल लो, ये सोचो कि जो आपके पास है ना उससे काम करने की थोड़ा कोशिश करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसको यहाँ पे हल्के हल्के, अगर मैं डेमो दे रहा हूँ ट्राई जरूर कीजिएगा। और वैसे मेरा एक यूट्यूब पे चैनल भी है, मैं लिख देता हूँ, तो अगर आप इसका विद रेफरेंस अगर आपको देखना है तो वहाँ से आप डेमो देखिएगा। मैं पेज का नाम लिख देता हूँ, सांग ड्राइंग्स करके है, मैंने अभी टाइप कर दिया है, तो उसको आप सर्च कीजिएगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी मेरी कुछ ऑनलाइन वाटर कलर क्लासेस, स्केचिंग क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में तो ज्वाइन करिएगा अगर आपको लगता है। इस तरीके हल्का थोड़ा सा, एक सिंपल सा, कुछ भी नहीं बट बहुत कुछ है देखा जाए तो, ऐसा कोई बहुत बड़ा डेमो नहीं दिया मैंने, ठीक है? जिसने भी कोई बात नहीं, अगर आपने मिस कर दिया है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वीडियो इंस्टाग्राम पे भी सेव होगा। और अगर आपको काम करना है तो आप यूट्यूब पे देखिएगा, शशांक ड्राइंग्स करके मेरे पेज का नाम है, तो वहाँ जाके विद रेफरेंस मैं लगा दूंगा ये भी, जिससे कि आपको पता चले कि मैं बना क्या रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअली रेफरेंस मैं भी एक्चुअली मेरे लैपटॉप में तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, उसमें ऐसे वीडियो में आएगा नहीं, तो इसीलिए तो उसमें और डिटेल हल्के हल्के ऐड कर रहा हूँ ब्लू और रेड की हेल्प से, थोड़ा सा एक टेक्सचर दिखे। देखो 27 मिनट हुए, 27 मिनट की पेंटिंग है ये। अब आप सोचो आप कितना टाइम लगाते हैं अगर आप बनाते हो इस चीज़ को। मैंने सिर्फ 27 मतलब ऑलमोस्ट बन ही गया है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप कितना टाइम लेते हो उस चीज़ में। आपको टाइम लगता ना, लेकिन अभी चलो मैं सिखा भी रहा हूँ बोल भी रहा हूँ, तो मेरा दिमाग दो जगह वर्क कर रहा है। देखो इस तरीके से लाइट भी है, थोड़ा सा कलर ग्रीनरी भी है, ठीक है? तो बस वही है कि थोड़ा सा ट्राई करो, देखो और आपकी साइड से क्या बेस्ट हो सकता है, कुछ डिफरेंट शेड जैसे हल्का सा येलो कलर हम छोड़ सकते हैं इसमें, ओपेक में हल्का हल्का बीच बीच में, और ओपेक में हल्का हल्का कलर आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट येलो कलर लेकर के, मैंने हल्का हल्का बीच बीच में थोड़ा इस तरीके से। अगर आप लोगों को डेमो अच्छा लगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पेज पे भी शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी देख सकें, ठीक है? और अभी मैं इसकी वीडियो सेव कर दूंगा यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे सेव हो ही जाएगी, यूट्यूब पे कल तक सेव हो जाएगी। तो जिन लोगों को मेरे पेज का नाम नहीं पता है, शशांक ड्राइंग्स करके मेरे पेज का नाम है, तो आप वहाँ जा कर के मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर भी लीजिएगा। और अभी मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, अगर किसी को कोई भी इंक्वायरी लेनी है क्लासेस रिलेटेड तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9559480989, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो कुछ भी पूछना है वहाँ पे आप शेयर कीजिएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, मुझे लगता है इतना सीखने के लिए बहुत कुछ है, और उम्मीद करता हूँ ऐसे बीच बीच में आगे कभी कभी मैं डेमो देता रहूँगा और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। जैसा भी आपको लगा हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है? वीडियो सेव कर दूंगा तो कमेंट जैसा भी आपको लगा हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है? फिर सभी को थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लाइव में, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।